तो पिछले क्लास में हमने फेज सिस्टम पढ़ लिया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो हमारे चैनल में जाके उस वीडियो को देखें, ठीक है। तो हमने पहला जो चैप्टर जो स्टार्ट किया है, दैट इज सॉलिड वाटर एंड एयर का रिलेशनशिप, उसमें हमने फेज डायग्राम देख लिया है, ठीक है। अब कुछ आते हैं डिफिनेशंस पे, ठीक है। उसी फेज डायग्राम का यूज करके हम क्या करते हैं, कुछ डिफिनेशंस देख लेते हैं, ठीक है। तो आते हैं सम डिफिनेशंस, सम डिफिनेशंस, ठीक है। सबसे पहला जो आपका डिफिनेशन है, दैट इज ऑफ वाटर कंटेंट, वाटर, ठीक है। वाटर कंटेंट को अगर हम देखें तो इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। वाटर कंटेंट इज डिनोटेड विथ स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड इन गिवन सॉइल, ठीक है। मतलब जो भी सॉइल मास दिया हुआ है उसमें अगर हम वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड अगर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वाटर कंटेंट, ठीक है। और इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, सो इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, ठीक है। तो अगर हम थ्री फेज डायग्राम देखें या टू फेज डायग्राम कुछ भी देखें, तो जनरली आपका क्या होता है, यही आपका थ्री फेज डायग्राम था, ठीक है। इसमें ये आपका सॉइल सॉलिड है, ठीक है। इसमें ये आपका वाटर था और ये आपका क्या था, एयर, ठीक है। तो अगर हम देखते थे तो ये वेट ऑफ वाटर हो गया, ये आपका क्या हो गया, वेट ऑफ सॉलिड हो गया, ठीक है। वेट ऑफ एयर तो होता नहीं है, वेट ऑफ एयर क्या होता है, जीरो होता है। तो टोटल वेट हमारा किसके बराबर हो रहा था, डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू के बराबर। अगर हम वाटर कंटेंट स्मॉल डब्ल्यू को देखें तो ये किसके बराबर है, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100, और ये परसेंटेज में एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर क्या हो, वाटर कंटेंट क्या हो गया, वाटर कंटेंट बोलिए या मॉइस्चर कंटेंट बोलिए, ठीक है। आप इसको क्या बोल सकते हैं, और मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। तो मॉइस्चर कंटेंट बोलिए या वाटर कंटेंट बोलिए, ठीक है। यह होगा क्या, यह जनरली आपका क्या होगा, कोई भी गिवन सॉइल मास है, जैसे ये मेरा सॉइल मास था, ठीक है। इस सॉइल मास में हमने देखा क्या, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड इन 200, क्योंकि ये परसेंटेज में एक्सप्रेस होगा इसीलिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यह एक्सप्रेस इन परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ड्राई सॉइल मास है उसका वाटर कंटेंट क्या होगा, ठीक है, मतलब ड्राई सॉइल मास है, ठीक है, इसका अगर वाटर कंटेंट अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड इन 200 और ये परसेंटेज। लेकिन अगर हम ड्राई सॉइल का अगर फेज डायग्राम बनाए तो कैसे बनता था, ये आपका ड्राई है, ये आपका सॉइल सॉलिड था और ये एयर था। जब भी आपके पास फुल्ली ड्राई सॉइल मास होगा, ठीक है, तो उसमें वाटर होंगे ही नहीं, जब वाटर होंगे ही नहीं तो वेट ऑफ वाटर क्या होगा, जीरो होगा। जब वेट ऑफ वाटर मतलब इसमें क्या हो गया, केवल एयर है, तो डब्ल्यू ऑफ एयर तो जीरो ही होता है या केवल डब्ल्यू एस सी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, डब्ल्यू डब्ल्यू जीरो बाई डब्ल्यू एस इंटू 100%, तो ये 0%, ठीक है। तो जब भी आपके पास ड्राई सॉइल होगा उसका वाटर कंटेंट क्या होगा, जीरो, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछ दूं कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू कहां से कहां तक वैरी कर सकता है, ठीक है, या कहां से स्टार्ट होकर कहां कितने ऊपर तक वैरी कर सकता है, ये आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि ये परसेंटेज में ही है, ठीक है। तो ये डब्ल्यू डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एस है, ठीक है, तो ये कहां से कहां तक वैरी कर सकता है। तो हमने देखा कि W का सबसे छोटा अमाउंट क्या हो सकता है, सबसे छोटा अमाउंट जीरो हो सकता है, कि अगर कोई भी सॉइल मास आपका है जो कि फुल्ली ड्राई स्टेट में है तो उसमें वाटर कंटेंट तो होगा नहीं, तो वो जीरो हो गया, मतलब लोअर लिमिट क्या हो गया, जीरो। अपर लिमिट अगर हम देखें तो अपर लिमिट क्या हो सकता है, जैसे अपर लिमिट के लिए देखें
तो वेट ऑफ वाटर क्या हो सकता है? वेट ऑफ सॉलिड से बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसका कोई अपर लिमिट नहीं होने वाला है, ठीक है। वेट ऑफ वाटर तो कुछ भी हो सकता है, वेट ऑफ वाटर 10 kg भी हो सकता है, 15 kg, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देर इज नो कंपेरिजन बिटवीन डब्ल्यू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू एस, डब्ल्यू एस एंड डब्ल्यू डब्ल्यू में कोई कंपेरिजन नहीं है, डब्ल्यू डब्ल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो डब्ल्यू वाटर कंटेंट है वो 0 से बड़ा ही होगा, देर इज नो अपर लिमिट। सो वाटर कंटेंट हैज लोअर लिमिट ऑफ 0 बट नो अपर लिमिट, अपर लिमिट नहीं है। ये कुछ भी परसेंट हो सकता है, 100%, 200%, 300%, 400%, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यह इसका कोई अपर लिमिट होगा, या अपर लिमिट में कुछ भी अमाउंट को ऑब्टेन कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको बात, अगर हम देखें तो फाइन ग्रेन सॉइल होता है उसके पास वाटर कंटेंट ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है। अब हम आगे आपको जब ग्रेन सॉइल का जब डिवीजन बताएंगे कितने टाइप के सॉइल होते हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि जो आपके सॉइल मास है, ठीक है, वो फाइन ग्रेन सॉइल होते हैं और कोर्स ग्रेन सॉइल होते हैं, ठीक है। तो फाइन ग्रेन सॉइल में देखा जाता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है, इसीलिए वेट ऑफ वाटर क्या होता है, ज्यादा होता है, इसीलिए वाटर कंटेंट ज्यादा है फाइन ग्रेन सॉइल में इन कंपेरिजन टू आपका कोर्स ग्रेन सॉइल। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फाइन ग्रेन सॉइल हैज मोर वाटर कंटेंट देन कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है। तो ये भी आपका एक बन सकता क्वेश्चन। यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन बना लिए, ठीक है। एक तो क्वेश्चन हो गया कि W वाटर कंटेंट का लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट का कोई लिमिट है ही नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए आपके अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आता है तो W ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे आप टिक लगाएंगे, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है कि फाइन ग्रेन सॉइल हैज मोर W देन कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है। अब दूसरा हम ले लेते हैं डिफिनेशन में वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो, ठीक है। तो वॉइड रेशियो को अगर हम डिफाइन करेंगे तो ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। मतलब अगर वॉइड रेशियो को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। इसका मतलब अगर हम फेज डायग्राम बनाए तो ये हमारा सॉलिड हो गया, ये वाटर हो गया, ये एयर हो गया, इन दोनों से मिलके क्या बना है, वॉइड्स बना है, और इसका मान लो कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स VV है, और ये सॉलिड है उसका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या है, VS है, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम हम क्या लिख देंगे, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जो वॉइड रेशियो होता है उसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को किससे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल ई से डिनोट कर रहे हैं। तो आपका जो स्मॉल ई हो गया उसको आप क्या बोल देंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। और यह आपका क्या होता है, डिसमल में ही रिप्रेजेंट होता है, दैट मीन्स इट इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन परसेंटेज और समथिंग लाइक दैट, यह 0.6, 0.8 ऐसे करके रिप्रेजेंट, ठीक है। तो यह किस में रिप्रेजेंट आपका हो गया, डिसमल में रिप्रेजेंट होगा, और वॉइड रेशियो जिसको हम ई बोल रहे हैं, ई इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा। अब मुझे इसका भी लिमिट बता दो कि यह कहाँ से कहाँ तक वैरी कर सकता है, कोई मुझे बता सकता है यह कहाँ से कहाँ तक वैरी कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम वैरी करा लें तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप सॉइल पार्टिकल को अरेंज करेंगे ना, कितना भी बढ़िया सा अरेंजमेंट होगा, ठीक है,
सॉइल पार्टिकल का कितना बढ़िया भी आप अरेंज कर लेंगे ना, तो उसमें कुछ ना कुछ वॉइड्स आपके होंगे ही होंगे, ठीक है। कितना भी बढ़िया से आप अरेंज कर लेंगे, फुल्ली कॉम्पैक्टेड कर देंगे, हाईली कॉम्पैक्टेड होगा, तब भी उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वॉइड्स प्रेजेंट होंगे ही होंगे। आप अगर यहाँ पे अरेंज करेंगे तब भी ये वॉइड्स क्या हो रहा है, ये वॉइड्स क्या है, प्रेजेंट है। तो ई कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ई जीरो नहीं हो सकता है, मतलब कोई भी सॉइल में आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि उसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या है, जीरो है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कभी भी क्या होगा, जीरो नहीं हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जीरो नहीं हो सकता है। जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जीरो नहीं होगा, इसका मतलब ई जीरो नहीं हो सकता है। तो लोअर लिमिट क्या हो गया, लोअर लिमिट की बात करें, लोअर लिमिट तो लोअर लिमिट क्या हो गया, ये ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। अपर लिमिट की बात करें तो अपर लिमिट में अगर हम देखें तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वी एस एंड वी बी, ठीक है। वी बी कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है, देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से, इसका मतलब इसका अपर लिमिट डिफाइंड नहीं है, अपर लिमिट नॉट डिफाइंड डिफाइंड ये कितना भी बड़ा वैल्यू हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दैट मीन्स ई को आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्रेटर देन जीरो, या किसी से छोटा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। देर इज नो अपर लिमिट, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ई ग्रेटर देन जीरो है, W जो स्मॉल W था वाटर कंटेंट, दैट इज ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो था, ठीक है। तो ये दूसरा आपका डिफिनेशन हुआ। तीसरा डिफिनेशन आते हैं पोरोसिटी। ठीक है, तीसरा डिफिनेशन हम क्या आ गया, पोरोसिटी। ठीक है, पोरोसिटी को अगर देखें तो किससे डिनोट करते हैं, एन से, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो पोरोसिटी डिफाइंड होता है, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास हो गया, ठीक है। जबकि अगर हम वॉइड रेशियो में देखें तो हमने क्या डिफाइन किया था, वॉइड रेशियो में हमने डिफाइन किया था वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। बट पोरोसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम वॉइड रेशियो, एंड हियर जो आपका एन है, मीटर है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं फेज डायग्राम बनाऊँ ना, तो फेज डायग्राम में मेरा क्या था, सॉलिड था और ये वॉइड्स था। वॉइड्स मतलब वाटर और एयर से मिलकर भरा हुआ हो सकता है, या तो वाटर भी हो सकता है या तो एयर भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो गया और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया। अगर मैं टोटल वॉल्यूम आपसे पूछ दूंगा तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया, ठीक है। तो जो पोरोसिटी है, दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, एंड यह आपका क्या होता है, परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है, इसलिए आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और साथ में परसेंटेज लिख, ठीक है, मतलब 60%, 40%, ऐसे करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे आप इसका लिमिट बता दीजिए कि लोअर लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट क्या होगा। लोअर लिमिट बोले तो ये किससे बड़ा होगा और ये किससे छोटा हो सकता है, ठीक है। तो देखिए फिर से वही बात, कोई भी सॉइल मास है तो उसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, जो नीटा है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कभी भी क्या होगा, जीरो नहीं हो सकता, ठीक
ठीक है, अब दूसरे में आते हैं, क्या नीटा गोम क्या देख रहे हैं, नीटा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम हो सकता है क्या? कोई भी सॉइल मास होगा तो उसमें कुछ ना कुछ सॉलिड पार्टिकल तो होंगे ही होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है ये ऑलवेज लेस देन वो टोटल वॉल्यूम होगा, कभी भी आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या हो गया बराबर हो गया टोटल वॉल्यूम का, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज ग्रेटर देन टोटल वॉल्यूम? ये भी आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी सॉइल मास है उसका टोटल वॉल्यूम भी है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स उससे बड़ा थोड़ी हो सकता है, ठीक है। तो ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि ना तो ये कंडीशन कभी पॉसिबल होगा कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, ठीक है, मतलब कोई भी सॉइल मास होगा, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो सॉलिड होगा ही होगा ना, ठीक है। जब कुछ ना कुछ सॉलिड होगा तो वी एस तो डिफाइन हो गया, तो टोटल वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू वी बी, ये कभी भी वी बी के बराबर नहीं हो सकता है क्योंकि वी एस कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है। क्या वी से बड़ा हो सकता है वी एस? ये भी पॉसिबल नहीं है, कभी भी ऐसा केस नहीं होगा कि जो टोटल वॉल्यूम है उससे बड़ा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो गया, ठीक है। ये टोटल वॉल्यूम है और इससे बड़ा हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो क्या इक्वल हो सकता है? नहीं, यह भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबल है? पॉसिबल यही है कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो क्या होगा लेस देन आपका टोटल वॉल्यूम होगा, ठीक है। मतलब जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो गया वो लेस देन टोटल वॉल्यूम हो गया, इसका मतलब जो नीटा हो गया वो क्या हो गया लेस देन 100 हो गया, मतलब 100% से क्या होगा नीचे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि नीटा क्या है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर हम डिवीजन में देखेंगे तो ये क्या होगा 100 से छोटा होगा, कभी भी 100 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो गया नीटा 0 से बड़ा होगा और 100 से छोटा होगा, तो ये इसका लिमिट हो गया और इसी लिमिट में ये क्या करेगा वेरी करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इसके साथ। अब मुझे आप एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, ठीक है, ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइएगा, नहीं तो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास क्या है, अगर सॉइल मैकेनिक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, क्वेश्चन इन सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स वाइड रेशियो और पोरोसिटी, ठीक है, वाइड रेशियो एंड पोरोसिटी इन सॉइल मैकेनिक्स, वाइड रेशियो एंड पोरोसिटी, विच वन इज गोइंग टू बी मोर फेवरेबल, फेवरेबल। कहने का मतलब क्या है कि सॉइल मैकेनिक्स में किसका आप जनरली यूज करते हैं, वॉइड रेशियो का यूज करते हैं ज्यादा या पोरोसिटी का यूज करते हैं, ठीक है। यह आपके लिए क्वेश्चन हो गया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस पैरामीटर का आप ज्यादा यूज करेंगे सॉइल मैकेनिक्स में, विच इज मोर फेवरेबल टू यूज, ई ज्यादा यूज करेंगे या आप नीटा को यूज करेंगे, ठीक है, यह आपका क्वेश्चन है, ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, नहीं होगा तो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा विच इज मोर फेवरेबल फेवरेबल टू यूज एंड व्हाट इज द रीजन, इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों हम ज्यादा किसको यूज करते हैं और कम यूज किसको करते हैं, ठीक है।